टुडे आवर टॉपिक इज एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12। टॉपिक छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, पहले उन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेंगे और मीनिंग समझने के बाद दो तीन टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझ लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और टॉपिक इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और एपोमिक्सिस से रिलेटेड ही टॉपिक है, बार बार टर्म यूज होता है एम्फीमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा कट गया तो हम लिख देते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्स, ये एम्फीमिक्सिस नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय मियोसिस एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट, दिस प्रोसेस नोन एज एम्फीमिक्सिस। तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जो प्रोसेस होता है उसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जस्ट इसका अपोजिट होता है। पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है एपोमिक्सिस, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मियासिस एंड फर्टिलाइजेशन आर एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल साइट्रस कैंकर। एपोमिक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट लुक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से क्लियर सी बात है कि एपोमिक्सिस प्रोसेस में कहीं भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। जब गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता तो क्लियर सी बात है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इस प्रोसेस में सीड का प्रोडक्शन होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है। तो एपोमिक्सिस जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में सीड का प्रोडक्शन होता है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो इसमें एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मली हमको पता है सीड फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई एपोमिक्सिस इज नोन एज और कॉल्ड एज It mimics the sexual reproduction. Now, in apomixis, there are two terms, apospory and apogamy. Apospory, formation of a gametophyte directly from a sporophyte. Formation of gametophyte directly from स्पोरोफाइट। सबको पता है गैमेटोफाइट, यहाँ पे जो टर्म है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉयड एंड स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉयड। फिर है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो न्यूसिलस का अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, मालूम हो
ये हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल, ओव्यूल की ये जो वाल्व थी, ओव्यूल की ये वाल्व थी, ये हमारी वाल्व थी इंटेगुमेंट, ये डिप्लॉयड थे और इसके अंदर के जो मास ऑफ सेल्स थे ओव्यूल के इंटेगुमेंट के अंदर, उस मास ऑफ सेल को हम कह रहे थे न्यूसिलस, वो भी डिप्लॉयड था। और न्यूसिलस के अंदर एक हमारा होता है मेगा स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके हैप्लॉयड एग का फॉर्मेशन करता है। तो यही कह रहा है डेफिनेशन से, एपोस्पोरी देखें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, मीन्स गैमेटोफाइट मीन्स जो गैमेट को कैरी करता है, तो मेल गैमेटोफाइट एंथर एंड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। ठीक, इसी का अपोजिट है एपोगैमी। एपोगैमी में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट एक्सेप्ट एग, एक को छोड़ करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट से विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नोन एज एपोगैमी। तो ये हमारा टॉपिक था एपोमिक्सिस का। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो एपोमिक्सिस है। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब बस यही है, प्रोडक्शन ऑफ सीड, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। अपना दूसरा टॉपिक है, अपना दूसरा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। देख लें पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल कह सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच सीड इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग्स। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस का एक एग्जांपल है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस रिकॉल करें या फिर जेनेटिक्स वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसको, और प्रोडक्शन ऑफ हनी बी या सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो हनी बी में जो मेल का डिटर्मिनेशन होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग वो कन्वर्ट हो जाता है मेल इंडिविजुअल में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस जो वर्ड है वो प्लांट के साथ साथ एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ प्लांट की बात हो रही है, तो पार्थिनोजेनेसिस इज द टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। तो अनफर्टिलाइज एग से जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोल, सीड का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलेंगे कि ये पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस यहाँ समझे, ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये टू टाइप की होती है, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस।
हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में सिंपल सी बात है कि पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो अगर ये एपोमिक्सिस है तो क्लियर सी बात है यहाँ पे कहीं भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे तो फिर हैप्लॉयड और फिर डिप्लॉयड का मतलब क्या है? तो हैप्लॉयड का समझ लेते हैं पहले। हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस यानी कि व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द हैप्लॉयड एग, मतलब जो हमारा एक नॉर्मल हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उस एम्ब्रियो सैक में एक सेल प्रेजेंट होती है, एक सिंगल एग सेल होती है वो प्रेजेंट होती है। अब जो सिंगल एग सेल प्रेजेंट है अगर वो बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है, समझे जरा, ये हमारा एम्ब्रियो सैक में ये हमारे माइक्रोपाइलर एंड और इधर हमारा चैलेंजर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की एक जो हमारी सेल होती है इधर होती है एक एग सेल। अब ये एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती तो हमारा एक हैप्लॉयड था, एक हैप्लॉयड है सबको मालूम होता है कि एक हैप्लॉयड होता है और यही एक हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो एम्ब्रियो भी हमारा हैप्लॉयड होगा। तो इसी को कह रहा है व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉयड एग इज नोन एज हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब हमारा दूसरा टॉपिक है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? When embryo develops from diploid egg and formed embryo is diploid is known as diploid parthenogenesis। इसको भी समझ लें। ये ओव्यूल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल होती है ये होती है हमारी डिप्लॉयड और इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती। अब जो हमारी ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल अब मियोसिस ना करके अगर माइटोसिस करे तो जो नेक्स्ट सेल जो प्रोड्यूस होगी वो भी डिप्लॉयड ही होगी। अब ये जो न्यू सेल प्रोड्यूस हुई है अब ये इसमें क्लियर सी बात है कि अगर ये पार्थेनोजेनेसिस है तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होना है तो ये हमारी जो डिप्लॉयड सेल है अनफर्टिलाइज्ड ही रहेगी और ये अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी और जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी तो इसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। और इस पार्थेनोजेनेसिस में अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब ये डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस यहाँ एक और टॉपिक समझ लें, आगे क्लियर उसको टॉपिक को डिस्कस भी करना है। अब समझें जरा कि अब एक सिंगल ओव्यूल में दो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और ये जब दो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं इसी को हम पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये टॉपिक आएगा इसको डिस्कस भी करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी दो तीन वर्ड आ गए, एक हमारा वर्ड था एपोमिक्सिस सबको मालूम है, डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा पार्थेनोजेनेसिस इज एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस। अब एक वर्ड आता है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में कभी कभी
कंफ्यूज होने जाता है, बेसिकली कंफ्यूजन ही रहता है। तो पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनो मीन्स होता है फाल्स एंड जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जब एक किसी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोकार्पी वर्ड से ही इसको पकड़ेंगे, पार्थिनो मीन्स फाल्स एंड कार्पिक इट इज रिलेटेड विथ कार्पेल। कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब कार्पेल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो पार्थिनोकार्पी इज ऑलमोस्ट डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद प्लांट एंड पार्थिनोजेनेसिस इट इज रिलेटेड विद प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो डेवलप इसको समझ लेंगे कि जो वर्ड यूज किया था पार्थिनोकार्पी, द टर्म पार्थिनोकार्पी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई नल इन 1902, NOLL नल इन 1902। इसमें सिंपल सही होता है कि जो ओवरी रहती है, प्लांट की ओवरी रहती है, वो ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो सिंपल डेफिनेशन के साथ जाएंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस या पार्थेनोजेनेसिस में क्या था, पार्थेनोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ सीड या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इन पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जो ओवरी जो अनफर्टिलाइज रह गई थी, इस ओवरी जब ये ओवरी कन्वर्ट होती है सीड में, सॉरी फ्रूट में, तो जो फ्रूट होता है उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। तो बेसिकली इनका ये स्ट्रक्चर, और इनके एग्जांपल हैं बनाना, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। ग्रेप्स में कुछ वैरायटीज होती हैं, ऑरेंजेस की भी आती हैं, इनमें भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ये कमर्शियली इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, इसमें सीड्स नहीं रहते हैं, जूसी जो भी हमारे फ्रूट है तो उनमें इनका ज़्यादा रोल रहता है। और पार्थिनोकार्पी टू टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल नेचुरल पार्थिनोकार्पी और दूसरी होती है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी जो नेचर में होती है, इंड्यूस्ड जब हम कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक ऑक्सिन, इनके यूज से हम जो फ्लावर की ओवरी रहती है उसको हम डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रूट में। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो एक जो पार्थिनोकार्पी होती है, जैसे हमारा बनाना, बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता, उसकी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। कुछ हमारे फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, इनमें इंड्यूस पार्थिनोकार्पी होती है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी से हम इनकी ओवरी को डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट करा लेते हैं, और जो फ्रूट होता है इनमें जो भी हमारे न्यूट्रिटिव कंटेंट होते हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, और ये हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए बेनिफिशियल। तो बेसिकली ये टर्म आगे यूज होगा। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट टर्म है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कस भी किए हुए थोड़ा सा, कि पॉली एम्ब्रियोनी
The word first of all used word was first introduced by A.V. Leeuwenhoek. A.V. Leeuwenhoek in 1719. और इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था ऑरेंज में. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द ओव्यूल इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियन. क्लियर है? द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो. नॉर्मली हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो का एग्जिस्टेंस रहता है. लेकिन अगर देखें कि अगर एक ही ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो की कंडीशन आती है तो उसको हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियन. ऑरेंजेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लेमन भी एग्जाम्पल है बेस्ट. इसमें कई सारे सीड्स होते हैं एक ही फ्रूट में, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं. मैंगो भी है पॉली एम्ब्रियानी का एग्जाम्पल. ये जो पॉली एम्ब्रियानी है ये कॉमन होता है, कॉमन केस होता है जिम्नोस्पर्म के केस में. बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म देयर इज मेनी आर्किकोनिया. अब यहाँ पे देखें एंजियोस्पर्म के केस में, तो एंजियोस्पर्म के केस में ये रेयरली फाउंड होता है और ये टू टाइप का होता है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड सेकेंड वाज फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. इसमें क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप्स. ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर. एम्ब्रियो सैक, समझ ले जरा फिर से, एम्ब्रियो सैक में जनरली एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, लेकिन इस एक एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा को एक और एम्ब्रियो आ गया. अब दो एम्ब्रियो एक साथ डेवलप करते हैं तो इस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी. इसका एग्जांपल अभी पीछे ही देखा कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस ना करके माइटोसिस करें, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है एंड टू डॉटर सेल्स कन्वर्ट्स इनटू टू इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोस and these two independent embryos, existence of these embryos is known as polyembryony, and this polyembryony is true polyembryony because these nucleus are present inside embryo sac. Now second was false polyembryony. Embryo sac, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक. देखें ये हमारा ओव्यूल मान लेते हैं, ये ओव्यूल, इसके दो स्ट्रक्चर्स, दो ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा ये एम्ब्रियो सैक. तो एक हमारा एम्ब्रियो इसके अंदर है और दूसरा जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो सैक के बाहर है यहाँ पे. अब यहाँ बाहर कैसे डेवलप होगा? तो इसमें न्यूक्लियस की कोई सेल, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस जो होता है डिप्लॉयड होता है, या फिर इंटेगुमेंट की कोई सेल, ये भी डिप्लॉयड होता है. इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, तो इसमें से कोई सेल कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, और कन्वर्ट होने के बाद उसकी एग्जिस्टेंस और ये हमारा एक ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है. तो अब ये एक ओव्यूल के अंदर जो हमारा था पॉलीएम्ब्रियोनी का डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो मिलते हैं तो इसको बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी टू टाइप की थी,
true polyembryony means if more than one embryos are present inside a embryo sac, that is true, and existence of extra embryo outside the embryo sac, that is from nucleus or integument, it is known as false polyembryony. Now our topic is completed. Second chapter is complete.